बच्चों का प्यारा है वो, रात में आता है वो, लाल रंग का जोड़ा पहनकर बच्चों को कर जाता खुश वो। क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जिसकी पूजा ईसाई धर्म के लोग करते हैं। क्रिसमस ट्री को ढेर सारी चीजों से बड़े ही प्यार से सजाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक निकोलस नाम का व्यक्ति था जो काफी पैसे वाला था और काफी दयालु था। वो किसी को उदास नहीं देख सकता था। एक दिन वो ऐसे ही घर से बाहर निकला। थोड़ी ही दूर आगे उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वो उस घर के बाहर ही रुक गया। बच्चे रोते रोते अपनी बूढ़ी माँ से कह रही थी, पापा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, खाने तक के पैसे नहीं है, दवाइयाँ कैसे लाएंगे। ये सब उस निकोलस ने सुन लिया। उसने उनकी मदद करने की सोची। तभी उसने अपने घर में लगे सॉक्स को देखा, जिसमें उसने पटाख से कुछ चांदी के सिक्के और कुछ खाने की चीजें भर दी और रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई, वो उन गरीबों के घर गया और घर के बाहर सॉक्स को टांग दिया। जैसे ही सुबह हुई, वो गरीब लड़की और उसकी माँ ने सॉक्स को देखा और उसके अंदर रखी चीजों को देखते ही हक्का बक्का रह गए और उसे ईश्वर की देन मानने लगे कि ये उनके प्रभु ने रखा है। जो लोग बेहद दुखी और परेशान थे, अपने घर के बाहर सॉक्स टांगने शुरू कर दिए। निकोलस ने वही किया। वो हर रात निकलता और सॉक्स में जरूरत का सामान डाल जाता। लोग उसे उसके बाद से फिर सेंट निकोलस सेंट क्लास के नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे सेंट क्लास से सेंट डग्लोस में बदल गया। बस तभी से क्रिसमस की रात बच्चे इसी उम्मीद के साथ अपने सॉक्स बाहर लटकाते हैं कि सुबह इनमें उनके लिए गिफ्ट होंगे। दोस्तों, त्योहार ही हर खुशियों की असली चाबी है। रोज तो किसी को मौका नहीं मिलता खुश होने का, तो क्यों ना हर त्योहार खुशियों के साथ अपनों के साथ मिलकर मनाएं। जो हम सालों तक इस त्योहार की यादों को याद करके मुस्कुराते रहे। आप भी इस दिन किसी के असल जिंदगी में सेंटा बन सकते हैं। किसी गरीब की मदद करें या किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई में योगदान दें और उन्हें कपड़े दें। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, आप उनके सेंटा बन सकते हैं और उन्हें इस क्रिसमस पर ढेर सारे उपहार व खुशियाँ दे सकते हैं।